नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर जिले में धर्मांतरण के विरोध में जनजाति समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां आदिवासी समाज ने महारैली कर बस्तर में ईसाइयों द्वारा भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने और देवी देवताओं के अपमान का विरोध जताया है, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरी है। सरकार के कानून के संशोधन हो और हमारे मांग को उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। यदि नहीं होगा तो हम भी आगे आंदोलन। हम कानून में संशोधन के बात कर रहे हैं और संसद से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वापस आता है तो स्वागत है, क्योंकि जो भी हमारे रीति रिवाज और परंपरा को मानता है उसको हम जरूर समाज में शामिल करेंगे। राजधानी रायपुर में ऑटो में घूम घूम कर रेकी कर चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने बताया कि पंडरी एवं खम्हारडी क्षेत्र में चोर ने दो सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई थी। आरोपी ऑटो चालक ललित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से सोने चांदी के जेवरात सहित कुल 16 लाख रुपए के चोरी के सामान जब्त कर लिए गए हैं। थाने का अपराधी अभिषेक चटर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 20 तारीख को उसके घर से नकदी रकम 6-7 लाख का ज्वेलरी सब चोरी हो गया था, जिस पर पता तलाश हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच एक पुराने संदेही से कुछ पता चला कि वो चोरी करता है, जिससे पकड़कर पूछताछ किया गया, जिससे वो चोरी करना स्वीकार किया और चोरी का रकम इससे बरामद किया गया है। कहां से आरोपी गिरफ्तार किया, कितने का मामला से बरामद? आरोपी अमन नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से लगभग 16 लाख का रकम और ज्वेल बरामद किया गया है। राजधानी रायपुर में अभिभावकों द्वारा मोतीनगर स्थित एक निजी स्कूल के मनमानी शुल्क वसूली का विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया, जहां अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उनके बच्चों का RTE के तहत एडमिशन हुआ है, जिसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा परीक्षा शुल्क, एडमिशन शुल्क और ड्रेस के लिए पैसों की मांग की जा रही है। वहीं पालक मजबूर होकर पिछले कई सालों से यह राशि स्कूल में जमा करवा रहे हैं, जिसका स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का बिल व रसीद प्रदान नहीं किया जाता है। वहीं सवाल जवाब करने पर बदसलूकी भी की जाती है। पालकों ने अधिकारियों से मांग करते हुए बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला कराने की मांग की है। वहीं सहायक संचालक DS चौहान का कहना है कि स्कूल में जाँच की टीम भेज कर जाँच कराई जाएगी और गलती पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये आइडिया के तहत हम लोग का एडमिशन लिटिल पॉल स्कूल में हुआ है बच्चों का, तो उसके बावजूद भी हमसे फीस लिया जा रहा है, कभी परीक्षा फीस तो कभी ये एडमिशन फीस, इस तरह से हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। तो और उनका बात भी करने का तरीका ढंग से नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करती तमीज़ से, और पैसा लेती भी है तो कुछ रसीद वगैरह भी नहीं देती है, और फिर पैसा देने से भूल जाती है, और भूलने के बाद बोलती फिर आप फिर दो आप लोग, और ना दो तो कागज़ वगैरह फेंक देती है, और हम लोग देते आ रहे हैं 6 साल से पैसा उनको। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज रायपुर पहुंच गए हैं और वो नया रायपुर प्रभावित किसानों के पंचायत में शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम 2 दिन रायपुर में हैं और किसानों की समस्या को लेकर सरकार और किसानों से चर्चा करेंगे। नया रायपुर से किसानों को धरना देने से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि नया रायपुर बन रहा है और इसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए, उनकी मांग जायज़ है। धरना को बलपूर्वक नहीं हटाया जाना चाहिए, समस्या का समाधान ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और ना ही किसान संघर्ष समिति चुनाव लड़ने वाली है।